कि शिक्षा का क्या स्थिति है। बाप कहैया बेटा पढ़ैया केना जनैया जो की करैया, आठ बजैया लड़का सुत के उठैया खैनी खा ला लुसफुस करैया आ मुँह हाथ न धोलक चाह पियैया आ नौ दिन हेला विद्यार्थी केना के जियैय। पढ़ लड़की के मन से पढ़ाओ, पढ़ल लिखल जाओ रसा गाँव घर में ना है बेटी पुतो पर ऐठ के बोलैया गहद क। एक दिन आगे पुतोहिया आटा सन लगे आटा कुछ गिल्ला होने के लिखेगी भविष्य में जैया सास बनेगी पढ़ी लिखी सास जाएगी। लड़की पढ़ाने के लिए दो पन्ना में मऊगा मरद भी लिखे। अच्छा, हाँ, क्या लिखा मरद क्यों लिखे मऊगा मरद कि माता पिता को सेवा आप लोग करें। लोगों ने माता पिता के सेवा छोड़ दिया है, सास ससुर के सेवा छोड़ दिया विश्वास पूछ ले चलैय तब लिखली माता पिता के मऊगा मरद की माता पिता के सेवा कीजिए। क्या लिखे हैं के ना जनैया जय बउआ की करैया अब मेहरारू के फेरा में। दोस्तों नमस्कार, अभी हमारे साथ एक कवि है जो कि बिहार के शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा कविता लिखे हैं। आप सुन के आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा कि इस तरीके से कविता भी लिखा जा सकता है क्या। चलिए सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको देख रहे थे कि आप बाइक से घूम घूम के अपना किताब बेच रहे हैं। जी जी, आप कितना कविता लिखे हैं? जी जी, मैं वैशाली जिला ही नहीं तीन जिला का एक भाषा है, मुजफ्फरपुर जिला आपके, समस्तीपुर जिला, वैशाली जिला आपका एक भाषा है। जिस भाषा में मैं लेखक अभी जिला का पहला पीस हूँ, मैं अभी आपके बीच हूँ। अपनी भाषा में अगर पुस्तक लिखे हैं तो ज़्यादा शिक्षा की स्थिति ज़्यादा दर्शाए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि लड़का लड़की का आप लोग मन से पढ़ाएं, परिवार को जरूर शिक्षा में आगे बढ़ाएं। आपका शिक्षा की स्थिति पर हम लिखे हैं कि शिक्षा का क्या स्थिति है। बाप कहैया बेटा पढ़ैया केना जनैया जो की करैया, आठ बजैया लड़का सुत के उठैया खैनी खा ला लुसफुस करैया आ मुँह हाथ न धोलक चाह पियैया आ नौ दिन हेला विद्यार्थी केना के जियैया। पढ़े जाइए रास्ता में लड़ैया मारपीट सक लगता गाड़ी पढ़ैया, पढ़े के नाम पर कन्नी कटबैया टीवी सिनेमा में डटल रहैया। बाप माय के बात बउआ कुछो न बुझैया, आजकल के बउआ के उल्टे सुझैया आ बउआ से पूछू तो सतमा में पढ़ैया आ बीस के पहरा में तीस बार कुथैया। यानी शिक्षा की स्थिति देखिए लिखा हुआ है कि नहीं। दूसरे पन्ना में लिखे सास पुतो, हे रघुआ सर लड़की के मन से पढ़ाओ, पढ़ल लिखल जाओ रसा गाँव घर में ना है बेटी पुतो पर ऐठ के बोलैया गहद क। एक दिन आगे पुतोहिया आटा सन लगे आटा कुछ गिल्ला हो गई, अब गिल्ला आटा के रोटी तवा पर खिलाओ रोटी जरल जरल निकलैया। ओकर ससुरिया पढ़ल लिखल न रह ऐठ के बोल गहद के पुतोहिया पर कथी बोल ऐठ के लिखल है एक किलो आटवा में सान दिला तीन किलो पनिया कहाँ तक के पढ़ल लिखल हता हे कनिया हे कैले छ गुमान हम अति पढ़ल तबा से रोटी निकल जरल जरल छोड़ दिला चूल्हे पर दूधवा पझाएला उघारे छोर भंसा के बैठ गया बतियाला हे पी गल दूधवा के पूरे बिलाई आ सास्तरी बोल तक करे लगल लड़ाई खड़ा छ देवाल तर तक चुढ़निया कहाँ तक के पढ़ल लिखल आ गया हमारा कोख में हे कनिया। तो लड़की को मन से पढ़ाइए, ससुरिया पढ़ल लिखल है तो ऐठ का बोलिया गहद का, यह लड़की पढ़ेगी लिखेगी भविष्य में जैया सास बनेगी पढ़ी लिखी सास हो जाएगी। लड़की पढ़ाने के लिए दो पन्ना में लिखे हैं हम, मेरा पता भी लिखा हुआ है इस पर है कि नंबर भी है 97719 और 37187। कैसा लगा जरूर फोन करें, 97719 37187 मेरा नंबर है। फिर लिखे हैं अच्छा से पढ़ो मऊगा मरद भी लिखे। मऊगा क्या लिखा मरद क्यों लिखे हैं मऊगा मरद कि माता पिता को सेवा आप लोग करें। लोगों ने माता पिता के सेवा छोड़ दिया है, सास ससुर के सेवा छोड़ दिया विश्वास पूछ ले चलैया तब लिखली माता पिता के मऊगा मरद की माता पिता के सेवा कीजिए। क्या लिखे हैं के ना जनैया जय बउआ की करैया आ मेहरारू के फेरा में रात दिन रहैया। रे माता पिता के सेवा करो ना, माता पिता देवता है। यह शिक्षा लिखे हैं एक पन्ने के अंदर। फिर लिखे हैं अच्छा से पढ़ा हो बउआ, काम कर ऐसा जग में हो तो नौआ हो, मन लगा कर खूब पढ़िया हमार बउआ हो। हो टी वी सिनेमा पर मन हो चसकल, कॉपी किताब से दिमाग हो घसकल, पापा मम्मी से पैसा मंगे छ, चॉकलेट के दुकान पर शिखर खरीदे छ।